आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 27 मई के ईश्वरदान की। परम पिता परमात्मा कहते हैं कि हमारी जो उदारता है उसके द्वारा हम हर किसी को अपनापन महसूस कर सकते हैं। जब हम देवाभिमान में होते हैं तो हम अपने आप को केवल कुछ एक ग्रुप के साथ में ही रखते हैं। अगर हम सिख हुए तो हम सिखों के साथ ही घूमेंगे ज़्यादातर, अगर हम मुस्लिम हुए तो मुस्लिम के साथ ही घूमेंगे, अगर हम बंगाली हुए तो हम बंगालियों के साथ ही घूमेंगे, और हम औरों को फिर हम दूर कर देते हैं ज़्यादातर। लेकिन परमात्मा कहते हैं जब आप आत्माभिमानी बन जाते हो, जब आप इस आध्यात्मिक ज्ञान में आ जाते हो, तो आप हर किसी को एक समान ट्रीट करते हो, हर किसी को आप एक जैसा ही समझते हो। तो आज इसके बारे में हम समझेंगे। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अपनी उदारता द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्व त्यागी भवा। सर्ववंश त्यागी वह है जिसका संकल्प सारे वंश का त्याग कर देना। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर बार छोड़ करके किसी जंगल में आके बैठ जाएं। सर्व वंश, अब ये वंश में आता क्या क्या है? त्यागी वह है जिसका संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर बाप समान हो। परमपिता परमात्मा कोई शरीर नहीं है, वो निराकार है, इसलिए वो हर किसी को अपना मानते हैं। लेकिन हम जब शरीर में आते हैं तो अपने आप को गोरा, काला, मोटा, पतला, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बंगाली, नेपाली, मद्रासी, अमेरिकन, जापानीज, इन सारी चीजों में हम बांट देते हैं अपने आप को। तो परमात्मा कहते हैं तुम मेरे जैसे सोचना शुरू करो, जिसका संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर बाप समान है। जो बाप का स्वभाव वही आपका हो। और के प्रति हमारा या हमारे प्रति पहले स्व के प्रति भाव कि मैं एक आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, वैसे ही मुझे और लोग भी पवित्र दिखने शुरू हो जाएंगे। संस्कार सदा बाप समान स्नेह, संस्कार सदा बाप समान स्नेह, रहम और उदारता के हों। संस्कार सदा बाप समान स्नेह, स्नेह भी हो और के प्रति, उनके प्रति रहम भी हो, उन्होंने कुछ गलत कह दिया और गलत कर दिया आपके साथ में, और उदारता के हो कि हाँ अब मैं इसका भला नहीं करूँगा, इससे मेरे साथ में से क्या ये ना हो। उदारता मतलब चाहे वो जो भी करे आपके साथ में, लेकिन आपको उसके साथ उदारचित रहना है। जिसे ही बड़ी दिल कहते हैं, तो परमात्मा से ये मेडिटेशन, परमात्मा से योग लगाने से उनके जो शक्तियाँ हैं, उनकी जो नेचर है, उनका जो कैरेक्टर है, वो हमारे अंदर आता है। कहते ना जैसा संग रखोगे वैसा रंग लगेगा। तो हमारा परमात्मा के साथ में अगर हमारा संग है तो हमारे अंदर भी ये नेचर उनकी हमारे अंदर आनी शुरू होती है। लेकिन इसके बारे में सोचना भी तो पड़ता है। सिर्फ परमात्मा को याद करने से नहीं होगा कि मुझे उदारचित रहना है चाहे कोई कुछ भी करे, और मुझे परमात्मा से वो शक्ति लेनी है और फिर मुझे उदारचित बनना है। फिर परमात्मा कहते हैं बड़ी दिल अर्थात सर्व अपनापन अनुभव हो, अर्थात सर्व अपनापन अनुभव हो, कोई परायापन ना हो। ये लोग अलग है, ये लोग मुझे ऐसे पसंद नहीं है, लोग मुझे इस कम्युनिटी के लोग पसंद नहीं, मुझे इस धर्म के लोग पसंद नहीं, मुझे इस ऐसे खान पान करने वाले लोग पसंद नहीं। हर कोई अपनापन, किसी को धिक्कारना नहीं, क्योंकि परमात्मा किसी को धिक्कारता नहीं है, ये उनकी नेचर नहीं है। बड़ी दिल में तन मन धन संबंध में सफलता की बरकत होती है। जिसकी बड़ी दिल होती है उसके तन मन धन संबंध में सफलता। अब लोग ज़्यादातर बड़ी दिल समझते हैं कि किसने कितना पैसे से दान किया, किसने कितना पैसा यूज़ किया, किसने कितनी बड़ी पार्टी थ्रो करी। ये बड़ी दिल अलग बात है, बड़ी दिल इधर की बात हो रही है। हम और को कितनी आत्माओं को हम एक्सेप्ट कर पाते हैं अपनी लाइफ में, इन्वॉल्व कर पाते हैं, और कितनी आत्माओं को बोलते हैं हम नहीं इनसे तो दूर ही रहो तो बेटर है, या ये मुझे पसंद नहीं इस टाइप के लोग, नहीं। ये चीज़ बड़ी दिल नहीं हुई, क्योंकि हमारे परमपिता परमात्मा ऐसा कभी नहीं करते। और अगर हम उनके बच्चे हैं तो उनकी जो नेचर, उनका जो कैरेक्टर, वो हमारे अंदर होना चाहिए। छोटी दिल वाले को मेहनत ज़्यादा, सफलता कम होती है। मेहनत क्या ज़्यादा लगती है, ज़्यादा सोचना पड़ता है, ज़्यादा मैनिपुलेट करना पड़ता है, ज़्यादा डाउट होता है उनको, लोग हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, मदद करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हर किसी को अपना नहीं बनाया, हर किसी को पराया कर दिया होता है। बड़ी दिल उदार दिल वाले ही बाप समान बनते हैं, उन पर साहेब राजी रहता है। बाप समान बनते हैं और उन पर साहेब राजी रहता है। तो ये सारी बातें हम सीखते हैं ब्रह्म कुमारी इसमें। लेकिन इसके लिए परमात्मा से योग, उनकी पहचान पहले, अपनी पहचान पहले, और फिर उनके साथ में मेडिटेशन, योग आना जरूरी है, जो कि आप जाकर के ब्रह्म कुमारी में सीख सकते हैं। ओम शांति इसके साथ।